मथुरा पुलवामा में हुए शहीदों को लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने नवादा से टाउनशिप पुलिस चौकी तक निकाला कैंडल मार्च। शहीदों की शहादत को लेकर दी भावभीन श्रद्धांजलि। भारत के हर गांव गांवों में शौक की लहर है। भारत देश के युवाओं ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमले को लेकर मथुरा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष दीवान सिंह ने दुख के साथ गुस्सा भी जाहिर करते हुए बताया कि सरकार को हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बातचीत का समय खत्म हो चुका है, यह बदला लेने का समय है। भारत देश की भूमि भी बदले की आग में धधक रही है। चारों ओर पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद व बदला लो पाकिस्तान से बदला लो के नारे लगा रहे हैं। सेठ बी एन पोदार के अध्यापक उमेश पाल ने दुख जताते हुए सरकार से कहा, जल्द से जल्द पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, वे जवाब इतना मजबूत हो कि पाकिस्तान अगली बार हमारे क्षेत्र में हमले की तो छोड़िए घुसने की भी हिम्मत ना कर पाए। आपने कैंडल मार्च निकाला है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने कैंडल मार्च निकाला है? ये हमारा कैंडल मार्च नवादा से लेकर के टाउनशिप तक के लिए हुआ है। मैं बड़ा दुख है जो पुलवामा में हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए हम बहुत ही दुखद और नमन है। पूरा देश इस टाइम रो रहा है, हमें बड़ा खेद है। हमारे प्रधानमंत्री जी से हमें विशेष अनुरोध है, कुछ ऐसा प्रावधान निकालें, आतंकवाद खत्म हो। पूरे देश में इस समय आक्रोश की लहर मची हुई है, सभी जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज आपने भी कार्यक्रम रखा हुआ है, कहाँ पे आज आपकी श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं शहीदों को? ये हम टाउनशिप चौराहे पर औरंगाबाद बाईपास पर श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, पूरा देश हमारे साथ इस टाइम। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, अगर आपके बस की बात ना हो तो आप हमें आदेश दें, उस बॉर्डर पे हम जी जान लड़ाने को तैयार हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे, हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। हम इस तरह से अपने भारत के वीरों को शहीद नहीं होने देंगे।